हे हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का हमारा वीडियो है ऑन पीनट बटर। पीनट बटर इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर स्प्रेड और इंडिया में भी काफ़ी फेमस हो गया है पीनट बटर एज अ हेल्दी फूड ऑप्शन। और पीनट बटर इज़ रिलेटिवली एन अनप्रोसेस्ड फूड, क्योंकि पीनट बटर बनाने के लिए मेजर जो इन्ग्रीडियंट है या रादर जो सिंगल इन्ग्रीडियंट है वो है रॉ अनसॉल्टेड पीनट्स, यस, या रोस्टेड पीनट्स। लेकिन जो बाज़ार में लोकल मार्केट में पीनट बटर मिलते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं सन ड्रॉप का पीनट बटर लूँ जो काफ़ी यू नो लोकल मार्केट्स में सुपरमार्केट्स में यू नो शेल्फ पे अवेलेबल होता है, लोग जाके उसे परचेज भी करते हैं जस्ट बिकॉज वो पीनट बटर है। बट क्या वो पीनट बटर एक यू नो क्वालिटी पीनट बटर है, क्या उसके इंग्रेडिएंट्स हम चेक करते हैं, क्या उसके न्यूट्रिशनल लेबल पे हम ध्यान देते हैं? शायद हाँ शायद नहीं। बट अगर नहीं तो ये हम बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। वी शुड ऑलवेज चेक द न्यूट्रिशनल लेबल और इंग्रेडिएंट लिस्ट ऑफ पीनट बटर। तो आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे सन ड्रॉप का पीनट बटर, क्या वो अच्छा है बुरा है, क्या हमें उसे कंज्यूम करना चाहिए, और अगर सन ड्रॉप का पीनट बटर अच्छा नहीं है तो कौन सा पीनट बटर हमें परचेस करना चाहिए, वो भी देखेंगे हम इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो को और आखिर तक देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। डेफिनेटली पीनट बटर जो है वो एक हेल्दी फूड कैटेगरी में आता है अगर आप उसका कंजम्पशन जो है वो लिमिट में रखोगे। तो कोई भी चीज़ अगर आप ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो उसका नुकसान हो सकता है, और द सेम अप्लाइज टू पीनट बटर एज वेल। अगर आपका वेट लॉस का गोल है तो आप अराउंड यू नो 2 टेबल स्पून तक कंज्यूम कर सकते हो, विच इज़ अराउंड 1 सर्विंग, अराउंड 30 ग्राम्स ऑफ पीनट बटर आपके वेट लॉस के गोल में हेल्प करेगा। अगर आपका मसल गेन वेट गेन का गोल है तो आप अराउंड 45 ग्राम्स 2.5 टेबल स्पून तक यू नो कंज्यूम कर सकते हो। डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अचीव योर गोल्स। सही तरीके से इस्तेमाल करना और एक सही पीनट बटर चूज़ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए हम न्यूट्रिशनल प्रोफाइल न्यूट्रिशनल लेबल को कंपेयर करते हैं। मैं इस वीडियो में सन ड्रॉप के पीनट बटर को रिव्यू कर रहा हूँ, तो मैं सन ड्रॉप के पीनट बटर के न्यूट्रिशनल लेबल को कंपेयर कर रहा हूँ विथ पिंटोला पीनट बटर जो मैं पर्सनली इस्तेमाल कर रहा हूँ, लास्ट 2-3 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। एंड ऑफ द वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरा व्यू ऑफ पिंटोला पीनट बटर, बट लेट्स स्टार्ट द न्यूट्रिशनल कंपैरिजन बिटवीन पिंटोला पीनट बटर एंड सन ड्रॉप पीनट बटर। तो आप देख सकते हो जो सन ड्रॉप की सर्विंग साइज जो है वो अराउंड 2 टेबल स्पून है, 30 ग्राम्स, और पिंटोला की भी जो सर्विंग साइज है वो अराउंड 32 ग्राम्स है। इनफैक्ट एनर्जी जो है, कैलोरीज जो मिलने वाले हैं लगभग अराउंड 200 कैलोरीज है जो आपको दोनों से मिलने वाले हैं। प्रोटीन जो है वो अराउंड 10 ग्राम्स आपको पिंटोला पीनट बटर के एक सर्विंग से मिलेंगे, और आपको सन ड्रॉप पीनट बटर से मिलने वाले हैं 8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। नाउ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इधर जानना कि जो प्रोटीन है वेदर इट इज़ कम्प्लीट प्रोटीन या इनकम्प्लीट प्रोटीन। नाउ कम्प्लीट प्रोटीन यानी उसके अंदर ऑल 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। अनफॉर्चुनेटली जो पीनट के अंदर प्रोटीन होता है वो इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है, इट इज़ नॉट अ कम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन, क्योंकि उसके अंदर एक अमीनो एसिड जो है वो उसकी जो क्वांटिटी है वो काफ़ी कम है, वो है मेथियोनाइन। लेकिन अगर आप पीनट बटर को सही तरीके से इस्तेमाल करोगे, यानी पीनट बटर को आप होल व्हीट ब्रेड पे स्प्रेड करके खाओगे, तो डेफिनेटली जो जो मेथियोनाइन जो पीनट बटर के अंदर अमीनो एसिड की कमी है वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि ब्राउन ब्रेड होल व्हीट के अंदर आप होल व्हीट ब्रेड के अंदर आपको मिलेगा मेथियोनाइन। तो आप होल व्हीट चपाती के ऊपर भी स्प्रेड करके खा सकते हो, जैसे मैं खाता हूँ। आई डोंट कंज्यूम ब्रेड बट आई कंज्यूम चपाती, तो मैं स्प्रेड करता हूँ चपाती पे, जिससे कि मुझे यू नो कंप्लीट प्रोटीन मिले एंड नॉट इनकम्प्लीट प्रोटीन। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स, दोनों में लगभग 6 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है एक सर्विंग में, जिसके अंदर फाइबर आपको पिंटोला के अंदर मिलेगा 3 ग्राम और सन ड्रॉप के अंदर 1.6 ग्राम्स। शुगर की अगर मैं बात करूँ तो पिंटोला के अंदर ओनली 1 ग्राम ऑफ शुगर है, नो एडेड शुगर, जबकि सन ड्रॉप के अंदर आपको 2.8 ग्राम्स ऑफ शुगर मिलेगा एक सर्विंग के अंदर। डेफिनेटली दोस्तों हमें शुगर की कोई ज़रूरत नहीं है पीनट बटर में, और सन ड्रॉप के पीनट बटर के अंदर शुगर न्यूट्रिशनल लेवल पे दिख रहा है, दैट मीन्स इंग्रेडिएंट लिस्ट जब हम देखेंगे डेफिनेटली हमें दिखेगा शुगर।
तो वी डोंट नीड शुगर पीनट बटर के अंदर। तो अगर फैट की बात करें तो दोनों में अराउंड 16 ग्राम्स ऑफ फैट है। तो अगर मैं फैट्स की बात करूँ तो दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ फैट्स है। अब पीनट बटर का जो इम्पोर्टेंस है इज दिस फैट्स, जो हेल्दी फैट्स हमें पीनट बटर से मिलने वाले हैं उसके लिए आइडियली हमें कंज्यूम करना चाहिए पीनट बटर, अपार्ट फ्रॉम डेफिनेटली द प्रोटीन दैट वी आर गेटिंग। नाउ फैट्स के अंदर भी दो टाइप्स ऑफ फैट्स है जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। ऑफकोर्स सैचुरेटेड फैट भी है इसके अंदर, बट उसके लिए हम पीनट बटर कंज्यूम नहीं कर रहे हैं और वो काफ़ी कम है। इसके अंदर मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैट यानी मूफा और पूफा जो फैट है वो चाहिए हमें, और इन दोनों में भी जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट है वो ज़्यादा होता है पीनट बटर के अंदर, ऑलमोस्ट डबल होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैट से, और उसकी हमें ज़रूरत है। वही है जो हमें चाहिए जिसके लिए हम पीनट बटर कंज्यूम करेंगे और जिससे हमें यू नो सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं अपार्ट फ्रॉम प्रोटीन एज अ सैट। तो सनड्रॉप के पीनट बटर के अंदर 8 ग्राम्स मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स है और 4 ग्राम्स पॉली अनसैचुरेटेड फैट है। और पिंटोला के पीनट बटर के अंदर ब्रेकडाउन नहीं दिया गया है, लेकिन अगर आप देखोगे तो 16 ग्राम्स में से 2 ग्राम सैचुरेटेड फैट है, दैट मीन्स 14 ग्राम जो है वो आपको मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैट इसके अंदर से मिल रहा है। ट्रांसफैट की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो दोनों में जीरो ट्रांसफर फैट है एज पर न्यूट्रिशनल लेबल, लेकिन जो ट्रांसफैट है वो कहीं पे यू नो छुपा हुआ भी हो सकता है, तो इसके ऊपर बात करेंगे हम। कोलेस्ट्रॉल जो है वो जीरो है। सोडियम की अगर मैं बात करूँ तो पिंटोला पीनट बटर में है 6 मिलीग्राम ऑफ सोडियम, जबकि सनड्रॉप के पीनट बटर में आपको सोडियम मिलने वाला है 105 मिलीग्राम। नाउ अगेन दोस्तों, हमें सोडियम जो है वो लिमिट में कंज्यूम करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा सोडियम हम कंज्यूम करेंगे उतना हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो यू नो इम्पैक्ट करेगा, हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो सकती है। और दिन भर के हमारे फूड में से जो हम मील्स खाते हैं उसमें एनीवे सॉल्ट जो है वो इतना हम यूज़ करते हैं कि सोडियम हमें मिलता ही है, प्लस पीनट बटर में सोडियम की एक्चुअली कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर सनड्रॉप के पीनट बटर में हमें सोडियम दिख रहा है, दैट मीन्स डेफिनेटली इंग्रेडिएंट लिस्ट में हम जब देखेंगे तो हमें सॉल्ट दिखने वाला है। और पीनट बटर का जो एक्चुअल बेनिफिट है ना दोस्तों, वो है उसके प्रोटीन के कंटेंट में ऑफकोर्स, बट द मोनो अनसैचुरेटेड फैट जिसकी मैंने बात की वो आपको आपके वेट लॉस के अंदर हेल्प करेगा, वो ना आपको अगर इन्फ्लेमेशन जलन हो रही है तो उससे आपको राहत देगा, आपको अगर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है तो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करेगा और आपकी हार्ट की हेल्थ को भी एक अच्छे कंडीशन में रखेगा। तो बहुत सारे बेनिफिट है नॉट ओनली फॉर मसल बिल्डिंग बट आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए पीनट बटर आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। ना चलिए दोस्तों देखते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इंग्रेडिएंट लिस्ट इन सनड्रॉप पीनट बटर एंड पिंटोला पीनट बटर। तो पिंटोला पीनट बटर के इंग्रेडिएंट लिस्ट में मेंशन किया है ओनली रोस्टेड पीनट्स, दैट्स इट, नथिंग एल्स। और यही हमें चाहिए, कोई भी पीनट बटर के अंदर इंग्रेडिएंट लिस्ट में होना चाहिए ओनली पीनट्स, दैट्स इट, वन इंग्रेडिएंट। वो रोस्टेड पीनट्स हो सकते हैं बट नॉट फ्राइड पीनट्स, और कुछ नहीं चाहिए हमें। सनड्रॉप के पीनट बटर के इंग्रेडिएंट लिस्ट अगर हम चेक करें तो उस पर लिखा हुआ है रोस्टेड पीनट्स, उसके अंदर है शुगर, उसके अंदर है स्टेबलाइजर जो है मोनो और डाइग्लिसराइड्स ऑफ फैटी एसिड्स, पीनट ऑयल है एंड आयोडाइज सॉल्ट है। तो डेफिनेटली दोस्तों सनड्रॉप का पीनट बटर हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अंदर शुगर भी है, सॉल्ट भी है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एमल्सीफाइजर्स यूज किए हैं, मोनो और डाइग्लिसराइड्स। नाउ ये क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि पीनट के अंदर होता है पीनट ऑयल, और ये जो एमल्सीफायर्स है वो एक्चुअली हेल्प करते हैं टू ब्लेंड ऑयल एंड वाटर टूगेदर। तो कितना क्वांटिटी इस्तेमाल किया है वो मेंशन नहीं किया है, कोई परसेंटेज मेंशन नहीं किया हुआ है, तो वी डोंट नो। तो ओनली थिंग दैट वी नो कि उन्होंने इस्तेमाल किया है, राइट। ना अगर आपने रिसेंटली आपके लिपिड प्रोफाइल टेस्ट की है जिसमें आपको लो आपकी जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है LDL HDL आपने डेफिनेटली चेक की होगी, तो उसी रिपोर्ट के अंदर आपको ट्राइग्लिसराइड लेवल भी दिखेंगे। एंड इफ़ यू आर समवन हु आर सफरिंग फ्रॉम हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल तो डेफिनेटली आपको सनड्रॉप का पीनट बटर तो अवॉइड ही करना चाहिए, या तो ऐसा कोई भी पीनट बटर जिसके अंदर ये एमल्सीफाई यूज़ किया है आपको अवॉइड करना चाहिए। और मोनो और डाइग्लिसराइड्स में स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्रांस फैट भी पाए जाते हैं, विच इज़ अगेन वेरी बैड। नाउ एज पर USFDA ये जो मोनो और डाइग्लिसराइड्स एमल्सीफायर्स है दे जनरली कंसिडर एज सेफ टू कंज्यूम, बट द पॉइंट इज कितना इस्तेमाल किया है हमें नहीं बताइए प्रोडक्ट में।
तो इट्स नॉट सेफ आई वुड से टू कंज्यूम, बिकॉज अगर हम पीनट बटर कंज्यूम करने वाले हैं तो डेफिनेटली हम उसे रेगुलर कंज्यूम करेंगे, काफ़ी टाइम तक कंज्यूम करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम कोई भी हार्मफुल चीज़ हमारी बॉडी में ना डालें। वैसे भी इतनी सारी हार्मफुल चीज़ ऑलरेडी जाती है हमारे बॉडी में, राइट? तो जितना अवॉइड कर सके उतना अवॉइड करें। तो हमारे पीनट बटर के अंदर हमें इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, तो कम्प्लीटली अवॉइड करें सनड्रॉप के पीनट बटर को। दूसरे बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है, अमेजोन पे सर्च करो। अगर नहीं सर्च करना है आपको तो मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ जो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, वो जो मैंने पहले आपको कहा पिंटोरा का पीनट बटर। उसके अंदर दो ऑप्शन है, आप ऑर्गेनिक पीनट बटर भी ले सकते हो। पिंटोला का प्राइस ज़रा बढ़ जाएगी बट ऑर्गेनिक पीनट उसमें यूज़ किए हैं। अगर आपको ऑर्गेनिक नहीं चाहिए आप नॉर्मल वाला पीनट बटर भी इस्तेमाल कर सकते हो। कोई स्वीट, कोई शुगर नहीं है, कोई सॉल्ट नहीं है, नो हाइड्रोजनेटेड ऑयल और कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है। जैसे मैंने कहा इंग्रेडिएंट लिस्ट में ओनली रोस्टेड पीनट्स है, दैट्स इट। और मेरे वेजिटेरियन दोस्तों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो एमल्सिफाई इस्तेमाल किए हैं उसका जो सोर्स है वो एनिमल भी हो सकते हैं, इट कैन बी ए नॉन वेज सोर्स एज वेल, और वेजिटेरियन भी हो सकता है। अगेन प्रोडक्ट के पीछे मेंशन नहीं किया है, वी नीड दैट इन्फॉर्मेशन। द ओनली थिंग दैट वी कैन डू इज गो एंड कनेक्ट विद द कस्टमर केयर ऑफ सनड्रॉप एंड आस्क देम वेदर दे हैव यूज्ड एनिमल सोर्स या कोई दूसरा सोर्स इस्तेमाल किया है विच इज़ अ वेज सोर्स। तो अगर मैं टेस्ट की बात करूँ दोस्तों तो कोई भी पीनट बटर, कोई भी ब्रांड का पीनट बटर दो वैरायटी में आएगा, क्रंची और क्रीमी। क्रीमी में ऑफकोर्स फुल क्रीम नहीं होगा, कोई भी यू नो पीनट बटर पीनट्स के आपको ट्रेसेस नहीं दिखेंगे उसके अंदर, जबकि क्रंची में वो क्रंची लाने के लिए, क्रंचीपन लाने के लिए कुछ पीनट्स, रॉ पीनट्स को रख देते हैं वो लोग। और अगर मैं प्राइस की बात करूँ सनड्रॉप का पीनट बटर जो है अराउंड 1 kg वो आपको अराउंड 250 से 300 रुपये तक मिल जाएगा। अगर आप अमेजोन पे सर्च करोगे तो कोई भी अच्छे क्वालिटी वाला पीनट बटर आपको अराउंड 350 से लेकर 400 रुपीज़ तक मिलेगा। सनड्रॉप का प्राइस कम है, दैट डजंट मीन इट इज़ गुड, अवॉइड इट एट एनी कॉस्ट। So that's it for this video friends, अगर वीडियो अच्छा लगा तो definitely do remember to subscribe to my channel, like button press कीजिए, share कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में। कुछ questions है, कुछ comments है, feedback है तो definitely comment section का इस्तेमाल करें। मैं हर एक question को you know answer करने का ज़रूर try करता हूँ, हर एक कोई feedback है, suggestion है तो definitely मैं you know next video में उसे implement करने का try करता हूँ। This is your friend Shyam Sawan for Power of Nutrition, I will see you all with my next video soon, until then goodbye, take care and as I always say, do some exercise at home. It's very important to stay fit in this situation and take care of yourself and your family. Take care. Bye.